हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिलन गोहिल। और RC22 का अपडेट आ चुका है और मैंने गेम अपडेट कर लिया है। इस वीडियो में आपको फुल डिटेल दूंगा अपडेट के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि फुल अपडेट रिव्यू लाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी अपडेट की डिटेल, 3 GB सपोर्ट, 18 new bowling actions, 5 new stadium, स्पेक्टेट मोड, चैलेंजर मोड, RCPL 23 Season 3 आ चुका है और कुछ अपडेट्स आ चुके हैं। तो ये वीडियो में फुल डिटेल्स दूंगा मैं आपको। लेकिन अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम गेम डाउनलोड करते हैं, कुछ पैक्स डाउनलोड होंगे, जर्सी पैक्स डाउनलोड होंगे, स्टेडियम पैक्स डाउनलोड होंगे और भी एडिशनल पैक्स, मल्टीप्लेयर्स डाउनलोड होंगे। तो गाइज, ये गेम खुल चुका है। तो अब गेम खुलते ही आप पहले ही नोटिस करोगे, ओहो, ये मैडम का फोटो आप देख सकते हैं। RCPL आ चुका है, मल्टीप्लेयर Season 3 आ चुका है और एक डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे। तो आपके अगर कुछ लेटेस्ट टूर्नामेंट्स चालू है तो अगर ये डाउनलोड करोगे तो ये पूरे मैच चले जाएंगे क्योंकि कुछ एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे डाउनलोड होंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे RCPL की तो आप देख सकते हैं RCPL 2023। यस गाइस, 2023 का अपडेट आ चुका है यहाँ पे कुछ जर्सी पैक्स। तो यहाँ मैं फिलहाल गेम में नहीं जाऊँगा, एटलीस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक टीम सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे टीम सेलेक्ट करने के बाद हम देख सकते हैं कि पूरा शेड्यूल। देखिए, अब मैं फिक्सचर्स में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं पूरा नया फिक्सचर्स जो भी है यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये फिक्सचर्स अवेलेबल है, उसका नॉकआउट गेम, सभी चीज़ें अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे RCPL 2023 का मज़ा उठा सकते हैं। मैं उसका फुल वीडियो अलग से लाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में कट शॉर्ट करते हैं और हम मेन बात करते हैं गाइस। जो मेन अपडेट है हमारा Season 3 का अपडेट है, लेकिन Season 3 के जाने से पहले हम एक बार चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्विक गेम में जर्सीज नहीं आई हैं। तो क्विक जे गेम में नो जर्सीज अपडेट, सिर्फ टूर्नामेंट में जर्सीज अपडेट आई है। और चलते हैं Season 3 में। तो Season 3 में आप जैसे ही खोलोगे कुछ पैक्स डाउनलोड होंगे और आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कुछ स्टेडियम के पैक्स डाउनलोड और आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वेलकम टू Season 3। और 3 महीने तक चलेगा ये Season 3 और आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे अगर आप Season 3 ख़त्म होने तक ये पर्टिकुलर रैंक में रहोगे। तो लेजेंड के लिए आपको 450 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और Season 2 रिवॉर्ड जो मुझे मिले, 200 MG मिले हुए हैं और मेरा ये सीज़न में अभी डाउनग्रेड हो जाएगा Silver 3 के। तो यस गाइस, आपका जो भी रैंक होगा वो डाउनग्रेड हो जाएगा और आपको रैंक मैचेस वापस खेलने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंक मेरा डाउनग्रेड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे Season 3 प्रो प्लेयर्स मिलेंगे। तो अभी तक मैंने क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया है, प्रो घुमाया नहीं है, तो मुझे Season 3 के प्रो प्लेयर्स कौन है पता नहीं। लेकिन और एक अपडेट है गाइस, स्पेक्टेट मोड। यस गाइस, आप अभी मैचेस देख सकते हैं अपने फ्रेंड्स के, जो भी लिस्ट में है उनके मैचेस आप देख सकते हैं। और ये मैं एक मैच यहाँ पे स्पेक्टेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, कोई लैग नहीं है। लेकिन आप एक छोटा सा अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं, फील्डिंग जो भी है यहाँ पे अभी रेड डॉट्स आए हुए हैं यहाँ पे। तो फील्डर जो भी है यहाँ पे रेड डॉट में दिखाएंगे, पहले कुछ व्हाइट कलर था तो यहाँ पे रेड डॉट आएगा। आप गेम खेलोगे तभी भी आपको रेड डॉट ही मिलेगा। तो अगला अपडेट में हम चलते हैं। तो अगला अपडेट यहाँ पे देखेंगे कि मैं देखता हूँ मेरे रैंक टीम में कोई चेंजेस हुए हैं कि नहीं। तो रैंक टीम में मेरे कोई चेंजेस नहीं है, जो भी मेरे प्लेयर्स थे वैसे की वैसे ही है। आप मेरा रैंक देख सकते हो, अभी Silver 3 पे हो चुका है तो उसके हिसाब से एक्सपीज आ चुके हैं, जर्सी मेरा सेम रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ। और गाइस, मेजर अपडेट, चैलेंजर मोड। तो चैलेंजर मोड के अगर आपको नया टूर्नामेंट बनाना तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, उसका वीडियो का लिंक का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आएगी और यहाँ पे लिंक करना है आपको, तो यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो चैलेंजर मोड में। तो चैलेंजर मोड का अलग से वीडियो बनाया, उसमें आप देख सकते हैं कि आपको कैसे ऐड करना है, लॉगिन करना है। बट यहाँ पे आप RC22 का जो अकाउंट है यहाँ पे लिंक करना है। लिंक करने के बाद ऑटोमेटिकली अकाउंट लिंक हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे टूर्नामेंट डिटेल्स मिलेगी। तो चैलेंजर मोड पे जिन्होंने भी टूर्नामेंट बनाए हुए हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी। और आपको अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन पे क्लिक करके आप वो एडमिन जो भी है चैलेंजर मोड में जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ऑनगोइंग टूर्नामेंट्स को आप ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नए टूर्नामेंट्स होने वाले, तो आप जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे चैलेंजर मोड के पेज पे लेके जाएगा। तो ये आपको आपको ज्वाइन करना है।
ज्वाइन करने के बाद वो एडमिन के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो जैसे ही वो रिक्वेस्ट अपडेट कर देगा तो आप वो टूर्नामेंट में ऐड हो जाओगे। तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी है, और रिक्वेस्ट करने के बाद आप चैलेंजर मोड के पेज पे आओगे गेम में, तो आपको बैक जाके वापस से ज्वाइन टूर्नामेंट में जाओगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं ज्वाइन टूर्नामेंट ज्वाइन हो चुका हूँ। ओवरव्यू में जाओगे तो आपको वापस पेज खुल जाएगा जो टूर्नामेंट का, और वहाँ पर टूर्नामेंट की डिटेल्स देख सकते हैं, आपके मैचेस कब है पूरे डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस ये चैलेंजर मोड बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, उसका अलग से वीडियो मैंने बनाया, तो आप ज़रूर देखना। मेरी सेटिंग्स अल्ट्रा पे नहीं जा रही थी पहले, तो इस अपडेट के बाद मेरे फ़ोन में, मैं पिक्सल 6 यूज़ करता हूँ तो उसमें मुझे अभी अल्ट्रा सेटिंग आई है, तो आप भी अपने फ़ोन में चेक कीजिए, अगर अल्ट्रा सेटिंग अवेलेबल नहीं थी आप वो भी देख सकते हैं। और अल्ट्रा में गेम बहुत ही एक अलग लेवल पे लगता है गाइस। फिर स्टेडियम्स देखते हैं, तो स्टेडियम्स अबू धाबी, बैंगलोर, दिल्ली, लाहौर और शारजा, तो ये 5 स्टेडियम्स ऐड हुए हैं। स्टेडियम में मैं खेल के इसका रिव्यू भी दूंगा, आप भी मुझे खेल के कमेंट में बताइए कि अगर आप स्टेडियम में खेल चुके तो स्टेडियम का मजा कैसा है, और कौन सा स्टेडियम आपका नए स्टेडियम में से फेवरेट है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो गाइज और एक क्विक मैच में आप देख सकते हैं यहाँ पे नया ऑप्शन आया अपॉइंट कैप्टन का, तो आप जब भी क्विक मैच खेलोगे या फिर कोई भी मैच खेलोगे तो आपको अपॉइंट कैप्टन का ऑप्शन है मैच स्टार्ट होने के बाद पहले, तो आप कोई भी प्लेयर को अपॉइंट कैप सेलेक्ट करके अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैप्टन की इन्फॉर्मेशन भी आप चेंज कर सकते हैं दोनों टीम के लिए, अगर आप क्विक मैच खेल रहे हो तो दोनों टीम के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइज मैं अबू धाबी में मैच खेल रहा हूँ, तो अबू धाबी का ये स्टेडियम आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाऊंगा स्टेडियम का, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये स्टेडियम अल्ट्रा ग्राफिक्स में, बढ़िया व्यू ये देख सकते हैं, रेप्लिका बनाया हुआ है अबू धाबी का, रियलिस्टिक फीलिंग आ रही है, अबू धाबी लिखा हुआ है, हमको पता है कि अबू धाबी में ये अबू धाबी लिखा हुआ है, ग्रास वहाँ पे है, बढ़िया व्यू यहाँ पे, डेजर्ट बैकग्राउंड, थोड़ा सा पहाड़ यहाँ पे दिख रहा है, तो बढ़िया व्यू यहाँ पे। तो गाइज ये थे कुछ अपडेट्स RC22 के, और ये लिस्ट ऑफ अपडेट, 3GB फ़ोन मेरे पास है नहीं, तो किसी के पास 3GB फ़ोन है तो आप बताइए कि आपको गेम कैसे लग रहा है। 18 न्यू बॉलिंग एक्शंस, तो गाइस बॉलिंग एक्शन के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन से नए बॉलिंग एक्शंस आपको दिखे हैं। मुझे 2 पता है, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश और हारिस राफ की बॉलिंग एक्शन ऐड हुई है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से बॉलिंग एक्शंस ऐड हुए हैं। बाकी गेम इंप्रूवमेंट हुई है, AI एनहांसमेंट हुए, और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड में लिखा है कि नोन बग, तो बॉल इज लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड गेम गेट स्टक, तो जब गेम स्टक होता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो RC22 को उनके ट्विटर अकाउंट में, इंस्टाग्राम अकाउंट में, तो आप जैसे ही रिपोर्ट करोगे तो आप पूरी डिटेल के साथ अपडेट करना है, तो वो ये बग फिक्सेस में भी लग जाएंगे, क्योंकि जितना आप रिपोर्ट करोगे उतना अच्छा होगा, जितने डिटेल के साथ करोगे तो उतना वो इम्प्रूवमेंट लाएंगे अगले गेम में। तो गाइज जिसका हमको कब से इंतज़ार था वो अपडेट आ चुका है, RC22 गेम आप एंजॉय कीजिए, बहुत ही बढ़िया गेम है, रियलिस्टिक गेम है। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।